नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर सामने आ रही है, आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका है। इस घटना में दो जवानों समेत 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पलहालन पट्टन में आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका है, जिसके बाद अब आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमले में 2 सीआरपीएफ जवान समेत 6 लोग जख्मी हुए हैं और अब आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के पलहालन चौक में आतंकियों ने आज सुबह सीआरपीएफ की टीम को निशाना बनाकर ग्रेनेड हमला किया था। इसमें 2 जवान और 2 नागरिक घायल हुए हैं। कुल मिलाकर अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 6 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, जिसमें 2 सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में फिलहाल ले जाया गया है। हमला करने वाले आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। दरअसल सुबह सीआरपीएफ की टीम इलाके के चौक में रूटीन ड्यूटी दे रही थी, इसी दौरान एक गाड़ी पर आतंकवादी आए। उन्होंने चलते हुए ही जवानों को निशाना बनाकर ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसकी चपेट में मौके पर मौजूद 2 जवान और 4 नागरिक आ गए थे, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बाकी के जवानों ने तुरंत घायलों को उठाकर अस्पताल में भेजा, जिसके बाद अतिरिक्त जवानों ने मौके पर आकर पूरे इलाके को घेर लिया था और अब आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। नाकों पर वाहनों की जांच शुरू कर दी गई है, क्योंकि हमला करने के बाद आतंकी मौके से भाग गए थे। तो बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के बारामूला से, जहां पर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड अटैक किया है, जिसमें 2 जवानों समेत 6 लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद अब सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। हालांकि अभी तक आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। अधिकारियों के मुताबिक घायलों का इलाज चल रहा है। आतंकियों ने भीड़ वाले बाजार में यह हमला किया है, जिससे कि मौके पर मौजूद नागरिक और जवान इसकी चपेट में आ गए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि बारामूला जिले में ही उड़ी सेक्टर में सुरक्षा बलों की ओर से LOC पर आतंकियों की एक घुसपैठ को नाकाम किया गया है। बताया गया है कि उस तरफ आतंकवादियों का दल आया था, लेकिन अभी ऑपरेशन जारी है। अभी सेना की तरफ से जानकारी को बाहर नहीं निकाला गया है। यानी कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल आर्थिक विकास को जो गति मिल रही है जम्मू कश्मीर में, उससे आतंकी बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में बारामूला में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड अटैक कर दिया था, जिसके बाद जानकारी के मुताबिक 2 जवानों समेत 6 लोग इसमें घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सभी नाकों पर तलाशी ली जा रही है, लेकिन अभी तक आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।